So, hello everyone, very good evening. Hello Pallavi, I would like you to. All right. So good evening, Ankita. Good evening, Ankit. Reena. Pallavi, I have sent you a request. I would like request you if you can accept that request and come live and join us. Yes, Pallavi, I have accepted your request. Yeah. Hi So good Vishali, evening, Pallavi. good evening. Hi Vishali, how are you? I'm good. What about you? I'm good too. Okay. So Pallavi, we will wait for a few minutes and then we will start. Yeah, no problem. Okay. So very good evening, Nandita. So till we have, hi Nandita, hello Reena, Ankita, hello Sumit. Honey, thanks Nandita, thanks a lot. All right, Pallavi, can we start? Yes, why not? I think if you can even give a in short, what is it all about? Maybe if friends who have joined right now, they can ask any question if it is, about any topic they have in mind. Sure. So आप सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग. मैं आप सभी को यहाँ पर वेलकम करती हूँ हमारे स्लाइड सेशन में, जहाँ पर आज हम इनसाइट आउट नर्चरिंग वेलबींग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहे, और थ्रू आउट द सेशन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चन पोस्ट करें एंड हमारे स्लाइड डिस्कशन का एक पार्ट बने. सो पल्लवी, जैसे कि आप तैयार हैं, तो हमारे आज का सेशन का जो टॉपिक है, नर्चरिंग वेलबींग, इनसाइट आउट, तो आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, लाइक हम कैसे अपने आप को नर्चर कर सकते हैं मेंटल वेलबींग के लिए. जो टॉपिक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि नर्चरिंग वेल बीइंग इनसाइड आउट, तो एक तरीके से हमें ये समझ जाना चाहिए पहले कि कोई भी चेंज पहले जब इनर होती है तो वो आउटर आपको रिफ्लेक्ट करता है. एंड इनर चेंजेस जो है ना, बहुत तरीके के है. जैसे हम फिजिकल वेलबींग की बहुत बात करते हैं, राइट? तो हम उसके लिए भी बोलते हैं कि अगर हम फिजिकली अंदर से मजबूत है, अंदर से हम अच्छा खा रहे हैं, अपनी शरीर की देखभाल कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी बॉडी के स्टेमिना पर, राइट? उसी तरीके से मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है. अब इनर मेंटल वेलबींग का मतलब क्या हुआ, या नर्चरिंग मेंटल वेलबींग का मतलब क्या हुआ, कि हमें अंदर क्या परेशानी होती है. अगर हम बोले कि मेंटल परेशानी क्या होती है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, डे टू डे वर्क में अपने आप को काम नहीं कर पाना,
राइट या फिर बहुत ज्यादा जब ओवरलोड हो जाना तो हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी कम होने लगती है, डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करता है. तो मुझे लगता है कि जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं और इनर मेंटल वेलबींग, तो हमें ये समझना सबसे पहले, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कहाँ है, किस एरिया में हमारा स्ट्रेस लेवल जो है ज्यादा हो रहा है, उसको हम कैसे बैलेंस करें, उसको हम कैसे अपने इफेक्ट जो है अपने डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे या रिलेशनशिप्स पे उसको ना आने दे. अगर वो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लाइक हमारे सेल्फ इमेज पर, हमारे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कर रहा है, सेल्फ डाउट की क्रिएट कर रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है, तो उन सब चीजों को कैसे टैकल करें, ये मेरे हिसाब से नर्चरिंग इनर वेलबींग और मेंटल वेलबींग है. थैंक यू पल्लवी. सो पल्लवी, आपने जैसे बताया, हमारे हम सभी लोग फिजिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर मैं वेट ज्यादा है मेरा तो मैं स्ट्रेस रहूंगी, अगर मेरा वेट कम है तो मैं स्ट्रेस रहूंगी. ट्रू. और हम इतनी चीजों से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं ना कि हम फिजिकली अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हैं, बट हम मेंटली अपनी चीजों पे काम नहीं करना चाहते. तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे हमारी जो डेली माइंडफुलनेस एक्टिविटीज होती है हमारे वेलबींग के लिए, मेंटल वेलबींग के स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है, इससे पहले ना मैं थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूंगी कि डेफिनेटली जब हम फिजिकल वेलबींग के लिए ना, आज हमारे पेट में दर्द हो जाए, हाथ में चोट लग जाए या बॉडी के अंदर कुछ भी हो जाए, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, राइट? लेकिन बिल्कुल, लेकिन हमें ये समझ, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे हम वो बाद में एक डिजीज के फॉर्म में बोले, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर की इश्यूज आने लग जाए, डायबिटीज या कोई भी ऐसे इश्यूज जब आने लग जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए. हमें लगता है वो फिजिकल इश्यूज है, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए उस टाइम पे कि शायद मेंटल इश्यूज इतने बढ़े हुए हैं, शायद हमने वो चीज रिलीज नहीं किया है, जिस वजह से जो हम कहते हैं ना स्ट्रेस का ये फिफ्थ स्टेज है. Yes. वो फिफ्थ स्टेज ऑफ स्ट्रेस है जो कि बर्नआउट है, जो कि आपकी बॉडी जो है क्राई आउट कर रही है, मतलब चिल्ला चिल्ला के डिजीज के फॉर्म में ये बता रही है कि प्लीज मेरा ध्यान रखो, राइट? डिजीज को अगर हम सिंपल स्पेलिंग है DISEASE, राइट? अगर हम उसको तोड़ दें तो डिस ईज, इसका मतलब बॉडी की जब ईज खत्म हो जाती है तो वो डिजीज के फॉर्म में आता है. और बॉडी की ईज किस चीज से खत्म होती है, राइट? किस चीज से? जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस में होते हैं, हम चीजें नहीं कर पाते, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, किसी ने हमें कुछ कह दिया और वो हमारे दिमाग में बहुत बॉदर क्रिएट कर रहा है, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, कोई बात हमें चुभ गई किसी की, ये सारी चीजें डे टू डे वर्क वो हम हैंडल नहीं कर पाते, या फिर हम कुछ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा एक्सटर्नल, वो सब पूरा नहीं होता. ये सब कुछ जो है हमारी बॉडी को ईज से डिस ईज में ले जाती है और वही डिजीज में आता है. तो अगर हम पहली बात ये करें कि फिजिकल के लिए हम भागते हैं, तो आप ये समझो जब फिजिकल के लिए भाग रहे हो तो इसका मतलब है कि मेंटली इशू बहुत हायर लेवल पे चला गया, फिफ्थ स्टेज ऑफ स्ट्रेस है और आपकी बॉडी अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है और अब उसको एक्सटर्नल हेल्प जो है के बिना उसको सही नहीं किया जा सकता. और जब हम अगर डे टू डे में बात करें तो मैं सिंपली यही कहूंगी, इसलिए हमने डिजीज की बात की और आप अग्री करोगे वैशाली इस चीज से, राइट? कि डिस ईज इसका मतलब बॉडी को इजी करना. बॉडी को हम जितना जल्दी इजी करेंगे, और बॉडी इजी कैसे होगी, दो तीन तरीके हम बहुत बार बोलते हैं बॉडी इजी करने के लिए. पहली बात तो बॉडी कंफर्टेबल हो जानी चाहिए. किन चीजों से? बॉडी अगर पेन है चीजें और कंफर्टेबल करने के लिए क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो हमारे लिए मस्ट है, चाहे हम वॉक ही करें सिंपली, राइट? या कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग करें, हमारे लिए मस्ट है क्योंकि हमारी बॉडी का काम ही बॉडी कुछ पकड़ना, कुछ करना, कुछ उठाना, राइट? वो है. तो अगर हम वो इसका यूज नहीं करेंगे उस तरीके से तो बॉडी में क्या होगा, जंग लगेगा, राइट? कहते हैं आयरन को कुछ और बर्बाद नहीं कर सकता, आयरन को अपना ही रस्ट बर्बाद करता है, राइट? तो वो रस्ट नहीं लगने देना है, वो पहली चीज है. और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं अपने को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए. सिंपल सी चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, अगर हम डीप ब्रीथ भी करते हैं तो इट जस्ट इजेज योर बॉडी, एक सिग्नल मिलता है बॉडी को ओपन अप करने के लिए. तो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन करती है. बहुत सारी चीजें थॉट फॉर्म्स है,
हमारे थॉट फॉर्म्स को ऑब्जर्व करना, जो थॉट हमें लगता है कि हमारे को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, उस थॉट फॉर्म को बाहर निकालना कॉन्शियसली एफर्ट लेके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेंटल वेलबींग के लिए, छोटी छोटी टेक्निक्स जो हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये अवेयरनेस के साथ करनी होगी कि अगर फिजिकल वेलबींग चैलेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग बहुत ज्यादा चैलेंज ऑलरेडी हो चुकी है। यस, थैंक यू पल्लवी। काफी सारे हम कोचेस से मिलते हैं, थेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो वो भी ना पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि रूट कॉज एक्चुअली में है क्या। यू नो, हम बोलते हैं हमारे पेट में दर्द है, बट अगर मैं आपका पूरा चीजें चेक करूं तो पता चलता है कुछ बातें जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, उसके कारण हमारा पेट दर्द है, या हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कि हमारा ये जो स्पाइन एरिया होता है, शोल्डर एरिया होता है, उसमें तो हम, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि लोहे को और कुछ खराब नहीं कर सकता, उसका खुद का जो रस्ट है वही खराब करता है। सो थैंक्स अ लॉट पल्लवी। सो पल्लवी, जैसे कि मैं आपसे माइंडफुल एक्टिविटीज के बारे में पूछ रही थी कि कैसे हम अगर माइंडफुल एक्टिविटीज को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो हम अपने मेंटल, अपने थॉट्स को, अपने जो आपने बताया कि हम जो इतना सारे स्ट्रेस टेंशन लेके रखते हैं उसको हम कम कर सकते हैं और हम एक इजी कंफर्ट जोन में आके अपना दिन भर का काम कर सकते हैं। तो जैसे आपने एक सबसे अच्छा तरीका बताया ब्रीदिंग टेक्निक, इसको इसी तरीके से आप और कुछ टेक्निक्स या आप अपनी तरफ से एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, ब्रीदिंग टेक्निक तो डेफिनेटली है जो इंस्टेंटली आपको हेल्प करता है। दूसरी टेक्निक में अगर मैं बोलूं आपको तो एवरी नाइट, राइट, एवरी नाइट आप जर्नलिंग कर सकते हैं, राइट। जर्नलिंग में क्या है, अब जर्नलिंग में क्या होता है कि बहुत बार जर्नलिंग हम बहुत अननोइंगली करते हैं कि कुछ भी जो दिन भर हुआ वो हमने लिख लिया, और कई बार मेरे पास ऐसी भी बातें आई हैं कि हमने तो लिख लिया और उसके बाद वो दिमाग में और ज्यादा बातें चलने लग गई, राइट। लेकिन जर्नलिंग के लिए मैं ये कहूंगी, जब भी आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव एंड पे लाके छोड़िए। पॉजिटिव एंड पे लाके क्या कैसे छोड़ सकते हैं कि हमने दिन भर जो भी हुआ हमारे साथ, तो हम एक क्वेश्चन सिंपली अपने जर्नल में पूछ सकते हैं कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ, आज क्या अच्छा हुआ, राइट, क्या अलग तरीके से कर सकते थे, राइट। जो गड़बड़ हुआ उसको, उसके लिए सिर्फ माइंडसेट में ये सोचना है कि क्या अलग तरीके से कर सकते थे। तो पहली चीज तो क्या अच्छा हुआ, दूसरी चीज क्या अलग तरीके से कर सकते थे, और तीसरी चीज कि क्या नया कर सकते हैं, कल क्या नया कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव एंड पे आते हैं। तो एक जर्नलिंग होता है, दूसरी चीज है जो हम स्ट्रेस रिलीज के लिए करते हैं, बहुत रिलैक्सिंग होता है कि आप जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आप अपना जो पाँव है सॉल्ट वाटर में डिप करके, और सॉल्ट वाटर वार्म वाटर में डिप करके आप उसको रिलीज करके थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन, क्योंकि हम हर जगह जहां जाते हैं हमारा फीट जो होता है वो मेजर वो है, और वो हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं ना, तो बहुत बार हम बोलते हैं थकान हो रही है, पाँव दुख रहा है, राइट। तो वो बहुत अच्छा एक स्ट्रेस रिलीजिंग है जो हम कर सकते हैं। आइस बहुत स्ट्रेस रिलीजिंग होता है, आइस को हम बहुत सारी थेरेपीज में भी यूज करते हैं। लोगों ने आइस बकेट चैलेंज और ये सब सुना होगा, लेकिन आइस को हम बहुत अच्छे से थेरेपी में यूज करते हैं। जब आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप अपने पाम्स पे आइस रब कर सकते हो, आप अपने माउथ में आइस का एक क्यूब लेके रोल कर सकते हैं, और आप चाहे तो फोरहेड और जो आपके इस एरिया में है पॉइंट्स होते हैं वहां पर आप, बिल्कुल इस एरिया में जो पॉइंट्स होते हैं, जो अगर आप बोले ईएफटी में टैपिंग पॉइंट्स भी होते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को, हाँ मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म नहीं यूज करना चाहती क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सब जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनको समझ आए। तो आप ये समझ लो जैसे फोरहेड हो गया, जब हम सर दुखता है ना तो ऐसे बोलते हैं बहुत चिंता हो गई, राइट। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये साइड के पॉइंट्स हो गए, राइट, उन पे आइस रब कर सकते हैं। इंस्टेंटली क्या होता है कि उससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस जो है वो काम डाउन होने लगता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। आप दूसरी चीज, एक और टेक्निक क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको लगता है दिन भर में जब भी हम उस स्टेट में आते हैं ना स्ट्रेस के या एंजाइटी के, कोई एक पार्ट हमारा बॉडी का होता है जो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि वहां पर स्ट्रेन हो रहा है, राइट, सबसे ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, उस पार्ट पर हम अगर लाइटली टैप करें, जैसे अगर मान लिया सपोज एकदम से मुझे चेस्ट हैवी लग रहा है, राइट, तो अगर हम चेस्ट के पार्ट पर लाइटली टैप करना शुरू कर दें, हमें लगने लग गया कि अब हमें को चेस्ट में
बहुत ज्यादा हैवीनेस लगने लगी है, और स्ट्रेस में ये होता है, लोग चेस्ट में हैवीनेस की कंप्लेन करते हैं, शोल्डर पे पेन की कंप्लेन करते हैं, या ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन करते हैं, ये बहुत होता है। तो आपको जहां पे भी लग रहा है उस एरिया को सिंपली अगर हम टैप करें तो उस एरिया को ना एक बच्चे की तरह, बच्चा जब रोता है तो कैसे होता है, उसको एक सूदिंग टच चाहिए होता है, तो हमें भी वो लगता है इंटरनली कि एक सूदिंग टच मिला है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सिंपली की जा सकती है। कुछ नहीं कर सके तो ब्रीदिंग, तो डीप, और डीप ब्रीदिंग का भी मैं वैशाली आप जानते हो, डीप ब्रीदिंग हम बोल तो देते हैं लेकिन समझते नहीं कैसे करना है। तो बहुत अच्छा टेक्निक है जो डीप ब्रीदिंग का, एक हैंड आप अपने हार्ट पे रखें, जो कि, और इससे क्या करें कि आप अपनी हार्ट बीट को सुने, और ये बहुत अच्छा टेक्निक है अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का। तो एक हैंड हार्ट पे रखें, सो इससे आपकी हार्ट बीट जो है आप उसको कैच करें, टच करने की कोशिश करें, और दूसरा अपने नेवल पे, दूसरा हाथ नेवल पे, और अब ब्रीद करना है। ब्रीद कैसे करना है, हार्ट बीट की साउंड जो है वो हैंड से एक्सपीरियंस करते हुए, और ब्रेथ जो है आपकी नेवल तक जानी चाहिए ताकि अप डाउन जो हो, तो वो डीप ब्रीदिंग है, वो इंस्टेंटली आपको बिल्कुल कूल डाउन करता है, क्योंकि वो बॉडी को सिग्नल देता है। हार्ट बीट लाइफ जब शुरू होती है तो उसका पहला सिग्नल होता है, और जब हम बच्चे को भी देखते हैं कि कैसे ब्रीथ कर रहा है तो सबसे पहले बच्चे के पेट पे हाथ लगाते हैं, पेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, दैट इज डीप ब्रीदिंग। तो वो इंस्टेंटली आपको ना कोई भी नेगेटिव थॉट हो, कोई भी स्ट्रेस हो, उसको एकदम से रिलीज करने का इंडिकेशन देता है। लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, हमको सबको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस हो वो उस फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके क्यूज के थ्रू आप ले सकते हैं, ये सारे आपके लिए काम करेंगे इंस्टेंट। थैंक्स अ लॉट पल्लवी, आपने जो यहाँ पर डीप ब्रीथिंग का सही मतलब और सही टेक्निक बताया, ये जानना बहुत जरूरी है। यू नो हम सभी क्या बोलते हैं, डीप ब्रीथिंग मतलब एंड रिलीज, इनहेल एंड एक्सहेल, बट हम जब इस, आपने बिल्कुल सही बोला, जब हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना कि एक हाथ हमने अपना चेस्ट पे रखा, दूसरा लिवर पे रखा, एंड यस जब हम वो रिदम से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अल्टीमेटली जो माइंड में और हमारे थॉट में मुझे एक रिलैक्सेशन मिलता है, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। सो थैंक्स अ लॉट, आपने इतने सारे अच्छे टेक्निक्स बताए हमें। सो पल्लवी, यहाँ पर मुझे आप, हम सभी में बहुत ज्यादा ये होता है, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में कभी नहीं जाते, यू नो बहुत प्रॉब्लम जाता है एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवरसेल्फ। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, हमें किसी एक एक्सटर्नल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है हमें अपनी भी अगर चीजें एक्सेप्ट करनी है ना, तो जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे ना वैशाली आप बहुत अच्छे हो या आप अच्छे लग रहे हो, तब तक मैं ना अपने में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। सो टेल मी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारे मेंटल वेलबीइंग के लिए क्यों जरूरी है, तो आप इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। सॉरी, सो मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ पर बोलूंगी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो यस पल्लवी, देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का तो एक टेक्निक जो है हमने बात कर ही ली, जर्नलिंग के थ्रू जो हम पूरे दिन का एक रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन से एक्सटर्नल वैलिडेशन को अगर हम कनेक्ट करें, एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हम वेट करते हैं कि सामने वाला देखकर अप्रिशिएट करें, राइट? और जब वो अप्रिशिएट करता है तो हमें लगता है हाँ अब मैंने कुछ अच्छा किया क्योंकि हमें सामने से अप्रिशिएशन मिली है। तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है बिकॉज वी आर कंडीशन दैट वे। आज भी जब बच्चा कुछ अच्छा करता है बिल्कुल एकदम से बोलते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस, वाओ, और बच्चा उसी एक्सप्रेशन को देखते देखते बड़ा होता है। हम सब भी उसी एक्सप्रेशन को देखते देखते बड़े हुए हैं। तो जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम मेंटली वो छोटे से बच्चे बन जाते हैं, राइट? जो पलट के ये देखना चाहता है किसी की एक्सप्रेशन अच्छी हुई या नहीं, राइट? किसी ने मुझे वाओ बोला या नहीं। सो हम मेंटली उसी फॉर्मेट में और उसी तरीके से बड़े होते जाते हैं। तो ठीक है, अभी उस चीज की बात नहीं करेंगे कि उस कंडीशनिंग को, उस चीज को, उस नर्चरिंग को हम कैसे चेंज करें, पेरेंट्स को, पेरेंट्स किस चीजों पे ध्यान दें, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम सब सेल्फ टॉक करते हैं, राइट? हम सब सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप ये रिफ्लेक्ट करें कि जब कोई चीज बिगड़ जाती है आपसे,
कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो आप अपने आप को क्या कहते हैं, राइट? क्योंकि जब बिगड़ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत बार हम कहते हैं क्या बेवकूफ है यार, फिर से ये गड़बड़ कर दी तूने, राइट? या हाउ तू पूरी उल्लू है, कुछ ना कुछ हम ऐसा बोलते हैं, और बिल्कुल अपने मदर टंग में बोलते हैं, कोई फैंसी लैंग्वेज में नहीं बोलते, बिल्कुल अपने हार्ड कोर मदर टंग में हम ये बोलते हैं अपने आप को, और अपने आप को कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट जो है हम सीड कर देते हैं। तो मुझे लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि आप बैठ के ये सोचो, जब कोई चीज बिगड़ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे से, तो मैं अपने आप को क्या कहता हूं या क्या कहती हूँ। वो जो अगर स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, और डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप 5-10 मिनट भी ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं मैं बोलते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं आप बोलते हो कॉन्शियस होकर के, सब कॉन्शियसली पहले तो आप बोल चुके थे, अरे यार बिगड़ गया या बिगाड़ दिया तुमने, राइट? तो वो जो लैंग्वेज है वो हमारा सबकॉन्शियस लैंग्वेज है, जो कभी भी कुछ गड़बड़ होने वाली रहती है, या हमें फियर ऑफ फ्यूचर होता है, या कुछ भी होता है, तो हम सटली अपने आप को बोलते हैं। पहली चीज तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करके उस लैंग्वेज को चेंज करना, और दूसरी चीज आप सोचते हैं कि दूसरा हमें वैलिडेट करे, राइट? दूसरा हमें अच्छा बोले, मतलब मैं बोलूं वैशाली आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, वैशाली आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वैशाली आप बहुत अच्छा स्माइल है। लेकिन पहली बात हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमसे सबसे क्लोज पर्सन कौन है, हम खुद हैं क्या? हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं क्या? रोज हम अपने आप को देख के बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, या फिर हम अपने आप को देख करके बोलते बहुत अच्छा किया। अगर हम अपने आप को बीइंग द क्लोजेस्ट पर्सन टू आवरसेल्फ नहीं बोलते, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट, ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना, कि जो हमसे बाहर है, हमसे दूर है, वो हमें अप्रिशिएट करे, राइट? हम, और इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं, चाहे वो कोचिंग हो या मेंटल हेल्थ हो, कि हम अपने अपसेट्स खुद ही क्रिएट करते हैं, राइट? तो मुझे ये लगता है कि हमें बहुत सिंपल सा काम करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के, या कभी भी कुछ अच्छा किया, या ऐसा लगा कि चलो यार आज मैं उठ गया और एनर्जी के साथ उठ करके काम ही करने जा रहा हूँ, तो अपना ये हाथ उठाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ये टर्न करना चाहिए, ये पीठ पे ऐसे लगाना चाहिए और बोलना चाहिए वेरी गुड, राइट? इससे पहले कि कोई और बोले, एटलीस्ट वी शुड डू दैट। तो इससे क्या हमारा सेल्फ इमेज इम्प्रूव होता है, हम अपने आप को जिस नजरिए से देखते हैं वो इम्प्रूव होता है, हमारा सेल्फ डाउट क्लियर होना शुरू होता है, हमारा डिपेंडेंसी, राइट? देखो मैं बहुत सिंपल सी चीज कहूंगी, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि हम पेड़ बनना पसंद करेंगे या एक क्रीपर जो पेड़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है, राइट? हम पेड़ बनना चाहते हैं, राइट? जो कि दूसरों को छांव दे सके, दूसरों को सहारा दे सके, कहने में सुनने में ये ज्ञान लगेगा, लेकिन इसका मतलब पहले हमें तो खड़ा होना होगा अपने लिए, राइट? अदरवाइज जब तक हम डिपेंडेंट है किसी और पर, तब तक तो हम क्रीपर है ना, वो अच्छा बोलेगा तो हम ऊपर चढ़ेंगे, वो सहारा देगा तो ऊपर चढ़ेंगे। सो ये रिफ्लेक्शन, पहली बात कि हम क्या बोलते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, उस स्टेटमेंट को कॉन्शियसली रोज चेंज करना, अपने लिए अप्रिशिएशन से अपने आप को फिलअप करना, राइट? और कुछ ऐसा करना जिससे हम अपने आप को एक पंप्ड अप एनर्जी में रख सके, और ऐसा नहीं हो कि जब हमें कोई कुछ डाउट दे दे तो हम उसको ऐसे ही ले ले, राइट? ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट पल्लवी। जैसे कि आप यार सेल्फ डाउट की बात करें, तो हमारे व्यूअर हैं आकाश गुप्ता, उनका क्वेश्चन है, हाय, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन, व्हाट टू डू व्हेन वी हैव सेल्फ डाउट, लाइक विल आई बी एबल टू डू इट और यू आर रियली गुड एट दैट, सो प्लीज आंसर पल्लवी। ओके, सो देखिए, सेल्फ डाउट हर किसी को आता है, ठीक है? मैं ये कहूंगी कि अगर कोई आपको ये ऐसा बोलता है, आकाश, अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट नहीं आता, तो ये गलत है। सेल्फ डाउट हर किसी को आता है, राइट? बट अब क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने कहा कि मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क आया कि विल आई बी एबल टू डू इट, राइट? आप देखो इसमें सब कुछ फ्यूचर टेंस है, राइट? कि क्या मैं कर पाऊंगा, कैसे पता चलेगा, राइट? ये आप समझो कि जैसे ही आपने बोला क्या मैं कर पाऊंगा, तो आप इस समय 7:26 PM हो रही है, राइट? 17th October की आप उस मोमेंट में हो ही नहीं, आप उस मोमेंट से पता नहीं कहां चले गए, राइट?
वो आपको पता तभी चलेगा कि वो हुआ कैसा हुआ, नहीं हुआ, इवन यू विल डू इट. सो बहुत सिंपल सी चीज है, जस्ट जैसे ही वो आए कि विल आई बी एबल टू डू इट राइट, तो आप अपने आप को एक टपकी लगाओ और बोलो कि आज 7th अक्टूबर 7:27 हो रही है और मैं शायद 6 महीने आगे रिजल्ट ढूंढने पहुंच गया राइट. या फिर कभी जब कुछ बैक के एक्सपीरियंसेस परेशान करे तो आप समझो आप पीछे चले गए हो राइट. और यही होता है हमारे साथ कि हम या तो पास्ट में चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं. तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को बोलो लेट मी ट्राई टू डू इट, आइदर आई विल विन और आई विल लर्न राइट. या तो मैं जीत जाऊंगा, या तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, या फिर कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा राइट. बहुत फेमस स्टोरी है ना कि लाइट बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई थी राइट, कितनी बार तो उन्होंने पूरा लैब जला दिया था. कहते हैं कि 999 टाइम्स शायद उन्होंने लैब को सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल थे, तब जाके एक बल्ब बना और वो देखो आज तक है. तो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है जो हम बच्चों को भी सुनाते हैं. तो जस्ट आइदर आई विल लर्न और आई विल सक्सीड, दो ही ऑप्शन है. थैंक यू पल्लवी. एंड अभिषेक, आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है. सो हमारे व्यूअर्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप यहाँ पर पोस्ट करें एंड पल्लवी और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे. सो पल्लवी, जैसे अभी आप डीप पैटर्न करने की बात कर रहे थे थॉट्स को, तो यू नो काफी टाइम होता है हमारे माइंड में इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम उसे ओवरकम कैसे करें. यू नो हम सोशली लोगों से कनेक्ट होना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं हम आइसोलेटेड रहेंगे तो शायद मैं टेंशन फ्री रहूंगी, मेरे पास कोई और नहीं आएगा कुछ बोलने के लिए तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ. सो कैसे हम ये नेगेटिव थॉट्स को डीपैटर्न करें? ऑलराइट, अभिषेक यहाँ पर कह रहे हैं But whatever that comes, generally confidence goes down. Okay, so Abhishek ने लिखा है कि but whenever that comes, generally confidence goes down. Question से confidence down होने लगता है ना, generally that I thought to ask. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि जैसे ही self doubt आता है ना, सबसे पहले हमारी confidence खत्म होती है राइट. सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता है और वो कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो हमको सेल्फ डाउट और ज्यादा बढ़ने लगता है. अभिषेक इसको टैकल करना ना बहुत एक थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है. क्या अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि जब कॉन्फिडेंस मेरा डाउन जाता है तो मेरी बॉडी कैसे हो जाती है राइट. जनरली जब हम कॉन्फिडेंस में लो रहते हैं या लो हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्लोज होने लगती है. क्लोज का मतलब हम बहुत ओपन नहीं होना चाहेंगे, हम बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेंगे कि एज इफ ओपन है सब कुछ के लिए. तो आपके जो नियर एंड डियर वंस हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आप उनको बताइए. आप पहले अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं या तो जैसे नॉर्मली हम स्ट्रेट बैठे रहते हैं राइट, जब हमें कॉन्फिडेंस या कुछ सेल्फ डाउट आता है जनरली आप देखोगे आपकी बॉडी झुक जाती है राइट. और ऐसे ही कार्टून में भी दिखाते हैं क्या करूं राइट, ये झुक गई बॉडी. तो ऐसे ही आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपके क्या चेंजेस होते हैं. मेंटल थॉट में तो होता ही है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए. अब उसमें क्या करना है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप वो ऑब्जर्व करके उन बॉडी पार्ट्स को पर्पसली कॉन्फिडेंट स्टेट में लाइए. हम उसको बॉडी लैंग्वेज के टर्म्स में पावर पोजेस कहते हैं. अगर आप सर्च भी करेंगे तो आप पावर पोजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए. और नहीं तो आपके घर में जो भी नियर डियर वंस है, फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको आप बताओ कि जब भी आप मेरे को इस तरीके से देखो तो समझ जाओ कि या तो मैं किसी सेल्फ डाउट में हूं या कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं. और आप मुझे उसी टाइम एक जो है हल्की सी कहते हैं ना नॉक कर देना, वो नॉक करो. तो वो नॉक जो है आपके लिए वो होगा ओपन अप करने का सिग्नल. आप उसी टाइम आप उस जगह से शिफ्ट हो, सबसे पहले बहुत जरूरी है बॉडी मूवमेंट अपनी चेंज करनी बहुत जरूरी है. आप जिस जगह पे बैठे हो या लेटे हो आपको उस जगह से शिफ्ट होना बहुत जरूरी है. आप शिफ्ट हो गए ना तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है और मेंटल भी एक सिग्नल जाता है कि शिफ्ट शिफ्ट फ्रॉम दैट थॉट पैटर्न. तो आप शिफ्ट हो गए उस थॉट पैटर्न से और वो जो शिफ्ट हो गए तब ही आप जो है अपनी बॉडी अपने आप को एक कॉन्फिडेंस वाले स्टेज में ला पाओगे. तो वो शिफ्ट जो है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली तो धीरे धीरे ना मेंटली भी वो शिफ्ट होने लग जाएगा. लेकिन हाँ ये
प्रैक्टिस तो जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आज आप शुरू करोगे और आज ही हो जाएगा, राइट? लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर है, और एक बार अगर प्रैक्टिस हो गया तो आप हमेशा कर पाओगे। आपको सिर्फ बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे भी मेंटली शिफ्ट कर पाओगे कि अच्छा, और अचानक से आपकी बॉडी राइट पॉस्चर राइट उस स्टेट में आ जाएगी जहां वो कॉन्फिडेंस को वापस से आपके अंदर डालेगी, आप मेंटल थॉट में भी डालेगी, बॉडी में भी डालेगी। यस अभिषेक, आई थिंक आपको आपका क्वेश्चन मिल गया, बट स्टिल अगर अभी भी आपका कुछ क्वेश्चन है, आपको लगता है यस आई वांट क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई स्टिल हैव समथिंग, सो प्लीज आप अपना क्वेश्चन यहाँ रेज कर सकते हैं। बिल्कुल, यू कैन सो पलक, यू कैन गेट इन टच विद अस, यू कैन डीएम अस, हम उसको वहां भी आंसर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। श्योर, ओके, यस वैशाली, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, पलवी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि कैसे हम अपने थॉट्स को डी पैटर्न कर सकते हैं। इफ अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स से ओवरलोडेड हो गई हूँ, या मेरे पास काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं मेरे माइंड में, सो मैं कैसे डी पैटर्न करके अपने माइंड को एक काम स्टेट में लेकर के आ सकती हूँ? ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं यहाँ पे बोलने में, हमें 2 मिनट में हम बोलते हैं तो लगता है कि अरे बस इतना ही करना है, लेकिन एक्चुअली वर्क करते हैं। अगर आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप बैठो, मैं 2-3 तरीके बताती हूँ, बैठो आप उन थॉट्स को लिखना शुरू कर दो, जो भी आ रहा है बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखना शुरू कर दो। टेक दोज थॉट, आप उसको बर्न कर सकते हो, आप उसको टियर ऑफ कर सकते हो, यू विल फाइंड कि इंस्टेंटली रिलीज होता है, राइट? तो वो चीज दिमाग से जाएगी, क्योंकि फिजिकली जब आप उसको बर्न कर रहे हो, फिजिकली जब आप उस पेपर को टियर ऑफ कर रहे हो, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, मेंटल सिग्नल, दैट अच्छा इसको थ्रो करना है, इसको निकालना है। दूसरा तरीका होता है, हम कहते हैं उसको वरी बॉक्स, राइट? आप उसको विजिबल बॉक्स बनाए या इनविजिबल बॉक्स बनाए, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप उस सब चीजों को कलेक्ट करो, उसको उस जगह पे प्लेस कर दो, वरी बॉक्स में डाल दो, और आप उसको मेंटली आप ये दो कि ठीक है मैं इस चीज को अटेंशन दूंगा, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसी हो रही है, अटेंशन दूंगी, लेकिन उसको एकदम शेड्यूल के साथ कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं 15 मिनट्स के लिए इन सारे प्रॉब्लम्स को लेके बैठ के सोचूंगा या सोचूंगी। तो वो क्या होता है ना, मेंटली क्या हुआ, हमने एकदम से स्ट्रक्चर कर दिया, हमारा मेंटल मेमोरी भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, एक फाइल दूसरी फाइल तीसरी फाइल, राइट? तो उसी तरीके से ब्रेन को समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इसका एक टाइमलाइन डिफाइन हो गया, तो आप एकदम से उसको साइडलाइन कर पाते हो और जो काम है अभी उस पर फोकस कर पाते हो, राइट? तो ये एक दूसरा तरीका होता है, या तो आप टियर ऑफ कर दो, बर्न कर दो, या फिर आप उसको एक वरी बॉक्स में डाल दो और उसके बाद उस टाइम पर उसको थॉट दो। मैं ये बार बार बहुत बार अपने सेशंस में भी समझाती हूँ लोगों को कि आप एक चीज समझो, कहते हैं कि दिन भर में या फिर कुछ घंटों में ऑलमोस्ट 60-70,000 थॉट्स जो है हमारे ब्रेन में क्रॉस करते हैं, राइट वैशाली? आप अग्री करेंगे ये चीज, है ना? तो 60-70,000 थॉट्स है, तो सोच के देखो कि 60-70,000 थॉट्स हैं, अगर 60-70,000 थॉट्स हैं तो उसमें से 3-4-5 थॉट ही क्यों अटक गए आपके अंदर? पूरे 60 अटकने चाहिए थे, पूरे 70 अटकने चाहिए थे, तो वो 3-4 थॉट्स हैं उसको आप लिखो कहीं, कहीं ना कहीं आपके मेजर स्ट्रेस का ट्रिगर ये सारे थॉट्स हैं, उन पे काम करना जरूरी है, बहुत काम करना जरूरी है। मैं एक बात नॉर्मली लोगों को कहती हूँ, आप एक दिन अगर बाथ ले लो, एक दिन नहा लो, तो क्या हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं होता है, राइट? हाँ, एक दिन ब्रश कर लो, क्या हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं हो जाता, आपके बगल में कोई बैठना नहीं चाहेगा, राइट? तो उसी तरीके से मेंटल वेल, अगर फिजिकल वेल बीइंग, एक दिन जिम चले जाओ तो क्या बॉडी फिट हो जाती है? नहीं होती है, राइट? तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि मेंटल वेल बीइंग के लिए हमने आज कुछ किया और कल खत्म हो जाएगा, राइट? हमें जरूरी है कि हम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ही सही, राइट? लेकिन इन चीजों को टाइम दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो, 8 घंटे निकालो, नहीं निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर आप डे में सिर्फ आप अपने इनर रिफ्लेक्शन पे अपने थॉट्स को कैप्चर करने में और उसको रिमूव करने में, नया थॉट ऐड करने में कॉन्शियसली इतना भी काम करते हैं, तो इट विल चेंज द वे यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, इट विल चेंज ऑल दोस फियर एंड सेल्फ डाउट्स और वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि
वैशाली आप भी अग्री करोगे, ब्रेन हमारा वायर्ड तो है नेगेटिव ही थॉट थिंक करने के लिए, राइट? तो वो हमें कॉन्शियस एफर्ट से हटाना पड़ेगा हटाना एक. पड़ेगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट टिगरिंग पॉइंट कि क्या चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को पूरा पूरे वायरिंग में एक एकदम हाई एक्सटेंशन वोल्टेज की तरह जाके हमारे पूरे बिल्कुल मेंटल स्टेट को, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से नेगेटिविटी से पूरा भर देती है. बिल्कुल बिल्कुल. और सोचने की बात है ना, 60-70,000 थॉट्स में से सिर्फ 3 ही थॉट्स ऐसे हैं जो अटक के रह गए हमारे अटक साथ, के रह तो हमारे जाते हैं. इसे हमको उन ट्रिगर पॉइंट्स पे काम जरूर करना है. अभिषेक ने यहाँ कुछ मेंशन किया है पल्लवी जी, गुड क्वेश्चन वैशाली जी. टू एड ऑन, इफ दैट सेम बैड थॉट कम्स इन योर माइंड डेली और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो पल्लवी जी अगर बताइए, अगर वही जो 3 थॉट्स है हमारे काफी लंबे समय तक अगर हमारे ब्रेन में स्टिल है तो हमें क्या करना चाहिए? आई नो आपने ऑलरेडी बता दिया है, बट अगेन इफ यू कैन. देखो अब देख, जो मैंने बताया वो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से बताया है, ठीक है? एक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से तो है ही. अगर अभिषेक ये लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे लॉन्ग पीरियड लिंगर करते हैं, तो मैं कहूंगी अभिषेक बहुत अच्छी बात है कि आपको पता तो है कि वो कौन से थॉट्स हैं. इसका मतलब अवेयरनेस ऑलरेडी है, राइट? बहुत लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं होती, तो अवेयरनेस इसका मतलब ऑलरेडी है, राइट? अब अवेयरनेस आ गई है तो आप वो कहीं लिख के रख लो कि क्या ऐसे थॉट्स हैं, और फिर उस पे सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ से आए हैं थॉट्स, राइट? उसको क्वेश्चन करो. हम कई बार थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम थॉट को क्वेश्चन करते हैं ये नहीं हो पाएगा मुझसे, राइट? और ये कॉन्स्टेंटली थॉट चल रहा है मेरे अंदर कि नो आई एम नॉट वेरी गुड, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट. सपोज ये एक थॉट है, तो हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं लॉजिकली, राइट? मैं दूसरे फिजिकल मूवमेंट्स और मेंटल वो नहीं बता रही, मैं बहुत करी लॉजिकली. उस थॉट को लिखो और उससे खुद से बात करके पूछो कि इज इट करेक्ट? क्या आज तक मुझसे कुछ नहीं हो पाया है? क्या मैं हर बार फेल ही हुआ हूं या हुई हूं? जब आप ये क्वेश्चनिंग अपने थॉट के साथ ही करना शुरू करोगे ना, तो आंसर नहीं मिलेगा ब्रेन के पास, राइट? क्योंकि आप समझो ये चीज, फियर ऑफ फ्यूचर या फियर जो है ब्रेन में, हमारा ब्रेन जो है ना पूरे टाइम, ब्रेन का काम क्या है? सर्वाइवल मैकेनिज्म, राइट? वो आपको हर जगह से अवेयर रख के बचाना चाहता है, राइट? बचाना चाहता है, तो वायर्ड है देखने के लिए कि अच्छा कोई मुसीबत तो नहीं आ रही, कोई चीज से खतरा तो नहीं है, राइट? तो ब्रेन का काम है ये, स्कैन करता रहता है पूरी चीज को, क्योंकि वो ही इंटरप्रेट करेगा. अगर वो स्कैन नहीं करेगा तो आप सोचो कि कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, राइट? और ब्रेन नहीं स्कैन करे कि वाइल्ड एनिमल है और इसके लिए भागना चाहिए, तो आप खाए जाओगे, राइट? तो इट इज वायर्ड टू क्रिएट दैट अलार्म इन द बॉडी, राइट? और उस अलार्म से ना रिसोर्सेज हम सेंड करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को ताकि वो काम कर सके, राइट? तो वो है वायर्ड. तो अगर उसी ब्रेन ने आपको वो नेगेटिव थॉट दिया है, तो अब आप उसको क्वेश्चन करो लॉजिकली, क्योंकि जब लॉजिकली कॉन्शियसली क्वेश्चन करते हो तब हम रियल आंसर्स मिलते हैं. ब्रेन के पास कुछ है नहीं ढूंढ के देने के लिए, राइट? तो आंसर करने के लिए, तो वो आपको जो है शिफ्ट करने में हेल्प करेगा, राइट? तो मुझे लगता है एक ये चीज है, बॉडी के थ्रू आप कर सकते हो, बॉडी के थ्रू नहीं ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं बॉडी के रिलेटेड. तो आप उसको लॉजिकली क्वेश्चन करो कि क्या ये सच है, क्या ये नेगेटिव थॉट जो मेरे अंदर आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं वैसे नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे देखना ये खराबी होगा, ऐसे ही थॉट्स आते हैं, राइट? जो हमें किसी ने कहा होगा. लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे उस चीज को डिस्कस करना शायद हम पूरा समय जो है उसी में चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम लॉजिकली क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैं हमेशा फेल हुआ हूँ, क्या ऐसा ही होगा, मुझे कितना परसेंट यकीन है कि ऐसा ही होगा. तो ये लॉजिकल क्वेश्चनिंग मुझे लगता है नेगेटिव थॉट्स के साथ करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब आप लॉजिकल क्वेश्चनिंग करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने ऊपर काम करते हैं एंड हमें अपने लिए आंसर्स ढूंढने होते हैं, एंड उस स्टेट में हमारा जो शिफ्ट होता है वो एक बहुत अच्छा शिफ्ट होता है, आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है, करेक्ट पल्लवी जी? बिल्कुल वैशाली, बैंग ऑन, बिल्कुल सही कह रहे हो. आपकी बिल्कुल थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, क्योंकि सपोज मेरे अंदर वो आया क्वेश्चन कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और मैं उससे पूछती हूँ और कॉन्स्टेंटली ये थॉट चल रहा है शायद मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, तो मैं अपने आप से पूछूंगी अच्छा मैं नहीं कर सकती, क्या मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है, क्या मैं हर बार, क्या गारंटी है कि मैं 100% फेल ही होऊंगी? आप देखो ब्रेन को एक शॉक लगेगा आपके थॉट प्रोसेस को, बिकॉज़
क्योंकि आपने वो टिगरिंग पॉइंट ना सर्च कर लिया एंड आपने एक ब्रेन को एक नया क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स थे, अब आप इस पॉजिटिव क्वेश्चन पे मुझे आंसर फिगर आउट करके दो। करेक्ट हाँ पल्लवी? बिल्कुल, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ठीक है नहीं हो पाएगा तो क्या, आप क्या करें, तो भी ब्रेन क्वेश्चन मार्क में जाता है कि या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोने में बैठ जाओ, नहीं तो कुछ करो, राइट? कुछ करो, तो क्वेश्चन करना, वो थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपको अपने बारे में जानने का और अच्छा मौका मिलेगा, आप अपने थॉट्स थॉट प्रोसेस में आप अपने लिए समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस हमेशा बाहर ढूंढते हैं, बट अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि सॉल्यूशन सारे हमारे पास है। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराइट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं बताइए। ये कह रही थी कि जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, अगर ये नेगेटिव थॉट की ही बात है तो मैं उनको कहूंगी, और मैं कई बार ये छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ, मैं उनको कहूंगी कि चलो हम साथ में मिलके एक एक्सरसाइज करते, राइट? कोई भी एक नेगेटिव थॉट को, आप जो भी आपके दिमाग में है उसको पकड़ के सोचो, राइट? जो भी है साथ में बस सोचो। अब आप जब नेगेटिव थॉट को सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अब एक काम करो, आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दो, पूरी बॉडी को, हाथ को स्ट्रेच कर दो, पाँव को स्ट्रेच कर दो, राइट? पाँव को भी चौड़ा करके खोल लो, खड़े हो जाओ और अब सोचो, आप देखो कि कितना इम्पैक्ट होता है उस नेगेटिव थॉट का। उस नेगेटिव थॉट का इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जब अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, खड़े हो जाओ, हाथ पांव स्ट्रेच कर लो, बिल्कुल देखो आपके मेंटली जो थॉट्स पकड़ के रखे उसको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। करेक्ट पल्लवी जी। सो पल्लवी जी, अगेन अभिषेक ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इस इफ एवरीथिंग इज वायर्ड देन व्हाट इज सिक्स सेंस एंड हाउ इट हेल्प अस इन इट, डू एवरीवन हैव सिक्स सेंस? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन चाहूंगी, वैसे आई जस्ट मिस्ड, इफ एवरीथिंग इज वायर्ड देन हाउ, If everything is wired, then what is sixth sense? ये first question है। what is sixth sense? Yes. अब देखो ये क्वेश्चन जो है आप स्पिरिचुअल एंगल पे ले जाओगे तो अलग आंसर मिलेगा, ठीक है? पर मैं इसको यही रहने देती हूँ, लेट्स नॉट गो टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वायर्ड है ना, तो आप एक चीज समझो, जब हम वायर्ड होते हैं ना तो वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक सर्किट को ट्रेस करते रहते हैं, एक ही सर्किट के थ्रू जा रहे हैं, बार बार उसी सर्किट को हम दोहरा रहे हैं, राइट? सिक्स्थ सेंस ये है कि उस सर्किट को ब्रेक कैसे करें। जिस दिन आप उस सर्किट को ब्रेक कर लेते हो, राइट, उस दिन से आप जो रिएक्शन, देखो हम क्या होता है ना, कई बार हम इमोशंस में जाते हैं और उस इमोशंस को बहुत नेगेट करते हैं कि पता नहीं मैं दुखी क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों। कोई भी इमोशन खराब नहीं होता, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो बैड इमोशन। क्या बैड है? इमोशन का रिएक्शन, राइट? किसी एक इमोशन में आ करके आपने रिएक्ट जिस तरीके से किया वो गलत है, वो रिएक्शन गलत है, राइट? और उसके वजह से ही आप फिर से गिल्ट में जाते हो, रिग्रेट में जाते हो, चीजों को करते हो। तो जरूरी ये है सोचना कि आप उस रिएक्शन में क्यों बार बार जाते हो। मान लो मुझे कोई ट्रिगर करता है और उस ट्रिगर की वजह से मैं बार बार गुस्सा होती हूँ, राइट? और उस गुस्से में मैं किसी पे चिल्लाती हूँ, राइट? या उस गुस्से में मैं अपने आप को कंप्लीटली सप्रेस करके कुछ नहीं बोलती और अपने अंदर अंदर घुटती, दोनों चीज गड़बड़ है ना, दोनों रिएक्शन गड़बड़ है। या तो मैं चिल्ला रही हूँ या तो अपने आप को सप्रेस कर रही हूँ। इसका मतलब है कि कोई एक सर्किट ट्रेस हो रहा है और जाके बल्ब जल रही है, राइट? बहुत सिंपल है, बिल्कुल। इसका मतलब कनेक्शन वो ज्वाइन हो रहे हैं। जब आप वो समझ जाते हो कि ये रिएक्शन गलत है, इमोशन गलत नहीं है, राइट, तो आप कॉन्शियसली उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में चेंज करते हो। आप चूज कर सकते हो कि ठीक है ये मेरे साथ होता है, दिस हैपन्स विथ मी, बट हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड बेटर, राइट? मैं तो ये कहूंगी, स्पिरिचुअल एंगल पर नहीं जाऊंगी क्योंकि स्पिरिचुअल एंगल पर जाएंगे हम तो बहुत अलग डिस्कशन हो जाएगा, जो मुझे लगता नहीं हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि दैट इज व्हाट इज योर सिक्स सेंस, कि मैं ये सर्किट में घुस रहा हूँ, वो अवेयरनेस जो है ना वो आपका सिक्स सेंस है।
कि मैं अब ये सर्किट ट्रेस करने वाला हूँ, अब जाके मैं रिएक्ट कर दूंगा या कर दूंगी, उस रिएक्शन को ब्रेक करना अवेयरनेस से ही हो सकता है। जैसे ही आप वो रिएक्शन ब्रेक करेंगे, आपके सामने वो थॉट प्रोसेस आ जाएगा, अच्छा तो अब मैं गुस्सा होकर के चिल्लाने वाली हूँ, या अब मैं गुस्सा होकर बिल्कुल चुप हो जाऊंगी, मेरा पूरा एक्सप्रेशन मैं सप्रेस कर दूंगी, मेरे पास चॉइस क्या है, राइट? और जैसे ही आप वो सोचने लगते हो ना, मेरे पास चॉइस क्या है, तो आप कोई भी चॉइस ले सकते हो। चॉइस ये ले सकते हो कि कैसे मैं अपना स्ट्रेस रिलीज कर दूं, कैसे मैं ये करूं। बहुत लोग कहते हैं कि जब मुझे गुस्सा आने लगता है, हम एक ग्लास पानी कूल डाउन कर देता है। आपको अपनी टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेगी। हम टेक्निक्स तो 50 बता सकते हैं यहाँ पे, पर वो टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। पर वो तभी ढूंढ सकते हो जब अवेयरनेस है, राइट? वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन है तो इन चीजों में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो इफ पॉसिबल आप मेडिटेट कर सकते हो। बेसिक मेडिटेशन है, आप अपने ब्रेथ पर ध्यान लगाओ या कॉन्सेंट्रेट करो। जस्ट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक हाथ हार्ट पर, एक इस पे, बस आईज क्लोज कर लो, उस ब्रीदिंग को फील करो, उससे बेटर कुछ नहीं है। दैट इज वेयर अवेयरनेस ऑल्सो रेज हो जाती है आपकी। थैंक्स अ लॉट पल्लवी जी। सो अभिषेक, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, हाउ इट हेल्प अस इन इट, एंड देन थर्ड पार्ट है, डू एवरीवन हैव दिस सबके पास होता है। मैं बहुत क्लियर बोलूं, सबके पास होता है, राइट? हम सबके पास वो थॉट है जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। हम सबके पास हमारे खुद के आंसर्स हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। मैं सिंपली ये बोलूंगी कि सपोज करो आप अभी हमें सुन रहे हो, राइट? आप आसपास ना खूब सारा नॉइज क्रिएट कर दो, खूब सारा म्यूजिक चला लो, ठीक है? क्या होगा, हम कितनी भी जोर से बोलेंगे, शायद वो आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी आपको। सिमिलरली हमारे दिमाग में बहुत सारा नॉइज है, बहुत सारा क्लटर है। अगर हम वो क्लटर क्लियर नहीं करेंगे, तो हमें वो जो साउंड है जो हमें एक्चुअली सुननी है, और वो साउंड सुनना क्यों जरूरी है? अभिषेक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या देगा वो, राइट? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ वही रेज करता है। हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा इंसान हो गया कि वन पॉइंटेड फोकस्ड है, वो वन पॉइंटेड फोकस और कुछ नहीं है। वो क्लटर रिमूव करके जो उसके लिए एक्चुअली अच्छा है, उसको देख पाना, उसको सुन पाना, दैट इज वन पॉइंटेड फोकस जो हम कहते हैं। लेजर की तरह कहते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में वो चीज सुनना, देखना, राइट? तो वो वन पॉइंटेड फोकस है। और हाँ, हम सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। बस वो क्लटर हम जितना कम करते जाएंगे, उतना क्लियर वो साउंड जो है हम सुनते जाएंगे। यस, यू नो, एंड जब आप खुद की आवाज सुनने में सक्षम हो जाएंगे, जब आपको अपने थॉट समझ में आने लगेंगे, जब आप खुद के इमोशंस को करेक्ट वे में पहचान पाओगे, सो ऑलमोस्ट आपका जो शिफ्ट होगा थॉट्स का, वो एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा। मैं तो अभी हमने शुरू ही की थी ना कि हार्ट पे हाथ रख के, अब आप बहुत क्लियर बताओ, जब तक हार्ट नहीं पे हाथ नहीं रखा था, आप अपनी हार्ट बीट सुन पा रहे हो क्या? जो भी आज सुन रहे हैं, क्या आप अपनी हार्ट बीट सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि हार्ट बीट की साउंड नहीं है आपके अंदर, है ना? That's an example within you. जब आप सब कुछ से कट के, सारा कुछ क्लटर हटा के, हाथ यहाँ रख के, और जब फील करते हो, तो आपको सुनाई देता है, राइट? बस है आवाज, वो सारा डायरेक्शन, सारे आंसर्स हमारे अंदर है। एज कोचेस, एज यू नो थेरेपिस्ट, हम बस वो क्लटर क्लियर करने में हेल्प करते हैं, और कुछ नहीं। बाकी सारे सॉल्यूशंस आपके पास है, बस आपको करेक्ट डीक्लटर करने की मेथड अगर पता चल जाए ना, सो इट्स नॉट बैड आई थिंक पल्लवी, कि हम किसी से अगर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, या अगर हम किसी कोच से अपनी अगर हेल्प ले रहे हैं माइंड के वेलनेस के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, तो ये कुछ भी खराब नहीं है। ये एक स्टिग्मा हो गया है, या एक ऐसा कहा जाता है कि आप जाके अपनी बातें बता रहे हो ना, सो आप शायद सच में बीमार हो। नो, यू नो, कई बार हम रेगुलर चेकअप्स के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर उस चीज में हम शेम या शाय फील नहीं करते। बट यस, जब हम, हाँ जी, यस वैशाली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं तो ये कहूंगी कि जो हेल्प के लिए बोल सकता है ना, उससे ज्यादा करेज किसी और में नहीं है,
करेक्ट ये स्टिग्मा है या जो भी है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन दिस अर्थ इज टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि हमें इतना ज्यादा अंदर फील होने लगता है ना कि अच्छा मैं कैसे हेल्प मांगू, राइट? क्योंकि हमें बचपन से कहा जाता है यू कैन डू इट, डोंट वरी, गो अहेड, तुम कर सकते हो. अरे ठीक है, कर सकते हो. तो हम और ये मुझे मेरे कोचेस ने सिखाया है कि ऑल द रिसोर्सेज आर आइदर विद इन यू, ठीक है, और विद इन योर रीच. रीच तो अगर विद इन यू से नहीं मिल रहा है तो अपने हाथ आगे बढ़ाओ, आस्क फॉर हेल्प. इट इज विद इन योर रीच. इट इज एक्चुअली अ करेज टू आस्क फॉर हेल्प. जो लोग वो करेज दिखाते हैं, दे रेज देमसेल्फ अबव देयर यू नो ऑल दैट मेंटल इश्यूज एंड एवरीथिंग व्हिच दे आर फेसिंग. आपने बिल्कुल सही कहा पल्लवी जी. जहां पे आपको जरूरत लगती है वहां जरूर आप जरूरी है कोचेस की मदद लें. यू नो घर में भी हमारे पास कोई एक इंसान जरूर होता है जिसे हम अपनी बातें बिल्कुल खुले दिल से सब कुछ बता पाते हैं. आप जाइए, अपनी बातें बोलना, शेयर करना, इमोशंस को यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सप्रेस करते जा रहे करते जा रहे. बोलो तो सही, बताओ तो सही, तभी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा. एंड वो ना जिससे भी आप डिस्कस करेंगे वो खुद यही बोलेंगे अरे आपने तो खुद से सोल्यूशन बता दिया, सोल्यूशन तो तुम्हारे पास ही था. यू नो हम उन इमोशंस को इतना सप्रेस कर लेते ना कि हम खुद ही सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है. बिल्कुल. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर तकलीफ होती है ना वो सप्रेस्ड इमोशन से होती है. हमें इमोशंस अपने सप्रेस नहीं करने चाहिए. हाँ, अब उसका रिवर्स भी नहीं करनी चाहिए. तो दो एक्सट्रीम्स है, या तो सप्रेस कर दो या तो एकदम चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बिना दूसरों की सोचे उनके ऊपर निकाल दो. ये दो एक्सट्रीम्स है, राइट? करना क्या है, हमें इमोशन सप्रेस नहीं करने. हम ये सोच सकते कि इसको हम प्रॉपरली सेफली इजिली रिलीज कैसे करें, कैसे करें. ट्रू, राइट? क्योंकि सप्रेस अगर हम करेंगे तो हमारे बॉडी में जनरली प्रॉब्लम आती है. यस, थैंक्स अ लॉट पल्लवी. सो पल्लवी यहाँ एक और क्वेश्चन है. सो इज स्लैपिंग वनसेल्फ कैन बी अ मेथड ऑफ स्ट्रेस रिलीज? कम अगेन वैशाली, आई थिंक आई लॉस्ट यू इन द मिडल. इज स्लैपिंग वनसेल्फ कैन बी अ मेथड ऑफ स्ट्रेस रिलीज? क्या खुद को मारना या ऐसा कुछ ऑप्ट कर रहा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, क्या ये सही मेथड है? See, अब ये स्लैपिंग वन सेल्फ तो बहुत थोड़ा सा हार्श हो गया है ना. आप चाहते हो कि दूसरे वैलिडेट करे, दूसरों से प्यार मिले, दूसरों से ये मिले, और खुद को ही आप स्लैप कर रहे हो. सी, मैंने ये कहा कि अपने ऊपर एक नॉक करना, राइट? वो ठीक है कि आप अपने आप को अवेयर कर रहे हो कि कम आउट ऑफ दैट थॉट. मैं ये नहीं कहूंगी स्लैपिंग वन सेल्फ मतलब अपने आप को बीट कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आप मेंटली भी अपने आप को बीट ही कर रहे हो. समझो, जब आप अपने आप को कह रहे हो ना तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, ये सारे सेल्फ डाउट जो है ना अपने आप को बीट करना ही कहते हैं. आप फिजिकली नहीं मार रहे हो अपने आप को, बट मेंटली आप अपने आप को मार ही रहे हो, राइट? तो मैं ये कहूंगी कि आप फिजिकली जो आप उसको रिलीज करना चाहते हो ना, तो उसको मार पीट करके खुद को रिलीज मत करो. आप बहुत सारी चीजें आप अपनी बॉडी मूवमेंट की तरह करो. आप वॉक करके आ जाओ, आप शेक ऑफ कर दो, सिंपली शेक ऑफ कर दो अपनी बॉडी से, वो रिलीज हो जाएगा, राइट? ऐसी टेक्निक मत ढूंढो जहां पे आप मेंटली तो अपने आप को बीट कर ही रहे हो, फिजिकली भी बीट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, राइट? एक नॉक करना अलग चीज होती है. एक नॉक करना इज अवेयर करना, टू गेट अवेयर, राइट? वो हम करते, जैसे हमें कोई कोई बुलाता है और हम सुनते नहीं, तो कैसे बुलाते हैं? सुनो, राइट? या फिर टैप करेंगे, सुनो, राइट? तो वो चीज अलग है. और सपोज करो कोई बुला रहा और एक जोर का दे के सुन क्यों नहीं रहा, तो आप क्या, आप बहुत आराम से पलट के बोलोगे अच्छा मैंने नहीं सुना. नहीं, आप कहोगे क्या हो रहा है, इतने जोर से मारने की क्या, और राइट? सो आप ये समझो कि हमको उसको और ज्यादा उस पनिशमेंट की टाइप से नहीं करना, राइट? पनिशमेंट की तरह ना, मेक इट लिटिल इजी फॉर योरसेल्फ. रिलीज करने के लिए शेक ऑफ कर सकते हो अपनी बॉडी से, कर दो बॉडी को इजी, कर दो रिलैक्स, कर दो टेंशन रिलीज कर दो. थैंक यू पल्लवी. सो पल्लवी, अभिषेक का एक और क्वेश्चन है, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन पक्का.
अभिषेक आपके जितने क्वेश्चंस जरा आप जरूर पोस्ट करिए, इवन अगर इस इंस्टाग्राम सेशन लाइव सेशन के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में जाके या हमें डीएम भी कर सकते हैं। सो अभिषेक का यहाँ क्वेश्चन है पल्लवी, व्हाट टू डू इन एन एंग्जायटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट ड्यूरेशन वेयर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग और थिंकिंग। बिल्कुल सी टू इन केस ऑफ एंग्जायटी बात की है, चाहे वो आइस की हो, रब करने की, वाटर ब्रीदिंग, शेक ऑफ करना, राइट, बॉडी को ओपन अप करना, ये सब कुछ एंग्जायटी के लिए काम करता है, ये सब कुछ काम करता है। ठीक है, मैं प्रोफेशनल हेल्प की तरफ नहीं जाऊंगी। अगर आप सीवियर एंग्जायटी में हैं तो मैं ये कहूंगी कि फिर घर में बैठ के खुद से सोचना कि मैं कर लूं, वो काम नहीं करना चाहिए, राइट। प्रोफेशनल हेल्प मांगना और लेना कोई भी बुरी बात नहीं है, राइट। और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, देखो आप समझो, ब्रेन स्टॉप करेगा ना वर्किंग, क्लटर होगा, ट्रैफिक जाम ज्यादा होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, राइट। तो अगर क्लटर हो रहा है, मेंटल फॉग हो रहा है, तो आप समझो कि बहुत कुछ थॉट्स जो है लिंगर ऑन कर, राइट। तो उन थॉट्स को, जैसे हमने वरी बॉक्स की बात की, उन थॉट्स को कलेक्ट करके साइड लाइन करना और जो इम्पोर्टेंट है उस चीज पे फोकस करना। आप कर सकते हो, सारे थॉट्स को लिखना शुरू कर दो, जो प्रायोरिटी का है या जो लग रहा है कि वो मुझे अभी करना जरूरी है, उसको उठाओ और कर लो, राइट। तो हम इस तरीके से चीजें जो है वो फिजिकली कर सकते हैं, तो उससे ही टैकल होगा। अदरवाइज अगर हम सब कुछ ब्रेन पे रखेंगे, यहीं पर सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो ब्रेन फॉग होगा ही होगा। उसको हम बोलते हैं मेंटल फॉग, टेक्निकली भी हम उसे मेंटल फॉग बोलते हैं, जहां हमारा वर्किंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सब चैलेंज होता है, तो ब्रेन फॉग की स्टेज आएगी। करेक्ट, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने थॉट्स को जमा करते जाते हो कब, एंड वो पाइल अप होके आप पूरा बर्स्ट हो जाते हो, जैसे पल्लवी जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो आप सप्रेस कर लेंगे या तो आप इतना ऐसे ही, मतलब जैसे बम फूटता है, ऐसे फूट जाओगे, स्टार्ट शाउटिंग, ईलिंग, डूइंग और इन्वॉल्विंग योर सेल्फ ऐसी चीजों में जो चीजें सही नहीं। सो यस, हर थोड़े टाइम में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक सेल्फ चेक, एक सेल्फ इवेल्युएशन की जरूरत जरूर पड़ती है, करेक्ट पल्लवी? बिल्कुल, जैसे हम दवाई के लिए अलार्म लगाते हैं ना, तबीयत खराब होती है तो हर एक घंटे का अलार्म लगा लो, हर दिन भर में दो या तीन अलार्म लगा लो, चेक करो, अच्छा मेंटली ठीक है क्या, मेंटली दवाई लेने का टाइम हो गया, थॉट को चेक करने का टाइम हो गया। सुनने में फनी लग सकता है लेकिन ये गलत नहीं। अगर आप ब्रेक करके दिन भर में दो या तीन बार या चार बार भी अपने आप को रोकते हो और ये पूछते हो कि अच्छा क्या थॉट चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ आपसे क्वेश्चन है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट टिप देना चाहती हैं मेंटल वेलबींग के लिए? मैं जो बेस्ट स्ट्रैटेजी या बेस्ट टिप कहूंगी मेंटल वेलबींग के लिए, ये है कि उसको इग्नोर ना करें, राइट। कभी भी ये ना सोचे कि हम स्ट्रेस में हैं तो ठीक है, लेट मी स्लीप ओवर इट, ठीक है कल देख, कल ठीक हो जाएगा शायद सुबह उठ के। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठ के आपको एकदम से फील होता है बहुत हैवी लग रहा है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं कहूंगी आपका स्लीप बहुत जरूरी है और एक कामिंग स्लीप स्टेट में जाना बहुत जरूरी है। तो आप जब सोने जाते, देखो पूरे दिन भर हमें काम करने की एनर्जी चाहिए, और नींद अगर अच्छी होती है ना तो हमारे पास डबल एनर्जी होती है। पर नींद अच्छी क्यों नहीं होती, क्योंकि हम मेंटली, हम टेक्निकली एक टर्म यूज करते हैं न्यूरोक्लीन होकर के नहीं जाते सोने। तो मैं सिंपली कहूंगी कि आप अपने पूरे जो दिन भर का काम चल रहा है उसको साइड लाइन कर दो, कहीं रख दो, उसको रख दो, जैसे आप अपने बैग रखते हो ना वैसे रख दो, वापस जब ऑफिस का टाइम होगा ना काम करने का तो वापस उठा लूंगी। और व्हाट आई बेटर, राइट, अनु छोटे से बच्चे की तरह हो जाओ, हैप्पी स्टेट में, राइट। कुछ बॉदर चाहिए, राइट, कुछ बॉदर नहीं करना चाहिए, अपने आप को रिलीज करके रिलैक्स। वैशाली आने दो उसको, क्या दिक्कत है, कैन से हाय। ऑलराइट, थैंक यू पल्लवी,
ये मेरी बच्ची, जैसे आपने बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स बताए। देखो मेंटल हेल्थ ना ऐसे ही बच्चे की तरह होता है, जब तक हम अटेंशन नहीं देते ना तब तक वो हमें खींचता रहेगा। हमने थोड़ा सा अटेंशन दिया, सी हैप्पी। यस, सो थैंक्स अ लॉट पल्लवी, आपने जो इतने अच्छे तरीके से बताया ना, एंड सच में आज के समय में वो मेंटल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स अभिषेक एज वेल। अभिषेक, आपने जो क्वेश्चंस पुट ऑन किए ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड थैंक यू पल्लवी, आज आपने ज्वाइन किया हमें, इतना समय दिया। एंड मैं थैंक यू मेरे सो व्यूअर्स मच। से यही बोलूंगी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना, इवन इफ यू हैव समथिंग गोइंग ऑन योर माइंड, अगर आपके लग रहा है आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट चल रहा है जो शायद नेगेटिव है या जो शायद सही है, प्लीज अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, क्वेश्चन सब पुट ऑन करें एंड हमें बताएं। एंड डोंट फील शाय और समथिंग, जहां पर आपको ये लगे कि मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं कर सकती। ओके वी आर एंडिंग इट नाउ। हाँ मैं पता आपका, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग, थैंक यू फॉर थैंक्स अ लॉट वैशाली फॉर आस्किंग फॉर दिस सेशन, राइट। थैंक यू यस सो मच, यस, सो थैंक्स अ लॉट पल्लवी, आप बाय सभी को मेरा धन्यवाद। बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, बाय। या बाय, थैंक यू पल्लवी। थैंक यू, थैंक यू so much, Vaishali. Thank you, everyone.